भारतीय रेल एशिया का पहला और विश्व का दूसरा बड़ा नेटवर्क है, जो देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। रेलवे के सफर की बात ही कुछ और है। जब कभी ट्रेन प्लेटफॉर्म से कुछ दूर दिख जाती है तो तसल्ली हो जाती है कि चलो अब मंजिल तक तो पहुंच ही जाएंगे। दिन प्रतिदिन रेल का सफर आरामदायक और सर्वसुलभ होता जा रहा है। आज रेलवे परिवहन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, लेकिन क्या आपने सोचा है रेल के आगे लगे इंजन बनते कैसे हैं? तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं डीजल रेल कारखाना वाराणसी। वाराणसी जिसके कणकण में आस्था, भक्ति और मन की शांति का प्रकाश है। गंगा की अविरल धारा के किनारे बसी काशी में कैंट रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर दूर स्थित है डीरेका, जो देश को प्रगति के पथ पर लेकर चल रहा है। अगर काशी की पहचान हर हर महादेव से जुड़ करके हो जाती है तो काशी की औद्योगिक पहचान DLW के द्वारा होती है, और इसलिए भारत सरकार DLW का जितना ज्यादा विकास हो, जितना ज्यादा विस्तार हो, जितना ज्यादा आधुनिकरण हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो, उसके लिए अनेक नई नई योजनाएं DLW के तहत भी करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो आने वाले दिनों में यहाँ के लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा भरने का काम उन योजनाओं से होगा। ISO 9001, ISO 14001 और OSAS 18001 प्रमाणित डीरेका की आधारशिला मंदिरों और घाटों के शहर वाराणसी में 23 अप्रैल सन 1956 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद के कर कमलों द्वारा रखी गई। अगस्त 1961 में DLW अस्तित्व में आया और जनवरी 1964 में लाल बहादुर शास्त्री के कर कमलों द्वारा पहले ब्रॉडगेज लोकोमोटिव WDM-2 कुंदन का लोकार्पण किया गया। 22 नवंबर 1968 को प्रथम मीटर गेज लोकोमोटिव YDM-4 का लोकार्पण मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया। आज भी कुंदन डीरेका की शान बढ़ा रहा है। तब से अनवरत DLW राष्ट्र की सेवा में समर्पित है। आज DLW न सिर्फ डीजल इंजन बल्कि इलेक्ट्रिक इंजन का भी उत्पादन कर रहा है। फरवरी 2017 में पहला इलेक्ट्रिक इंजन WAP-7 का निर्माण किया गया। हाल ही में DLW में एक ऐसा प्रयास किया गया जो विश्व में पहली बार हुआ। यहां 2 डीजल इंजन को परिवर्तित करके इलेक्ट्रिक से चलने योग्य बनाया गया। ये कन्वर्जन लोको विश्व रेल इतिहास में डीरेका की अनुपम भेंट है। ये पहला वर्कशॉप ऐसा है जहां पे दोनों तरह के इंजन डीजल और इलेक्ट्रिक एक ही रूफ के अंदर बनते हैं। हम लोगों ने अभी 1.5-2 सालों में पहले डीजल इंजन हम लोग जो बना रहे थे उसमें हमने बदलाव करके अब हम इलेक्ट्रिक लोको भी बनाना हमने शुरू कर दिया है और अपने स्टाफ को हमने रिट्रेन किया। अपनी शुरुआत से अब तक डीरेका भारतीय रेल के इतिहास में सुनहरा अध्याय साबित हुआ है। लगभग 300 हेक्टेयर में फैले डीरेका का हर कदम प्रगति की ओर अग्रसर है। यहाँ की वर्तमान महाप्रबंधक रश्मि गोयल के मार्गदर्शन में हो रहे नए नए तकनीकी परीक्षण और कर्मठ कर्मचारियों के समन्वय का परिणाम है कि DLW को 2018 में तीसरी बार बेस्ट प्रोडक्ट यूनिट शील्ड प्रदान की गई। DLW भारतीय रेल का एक उत्कृष्ट प्रोडक्शन यूनिट है। वर्ष 2017-18 में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए लगातार तीसरे वर्ष बेस्ट प्रोडक्शन यूनिट की शील्ड
रेलवे मिनिस्टर द्वारा प्राप्त कर चुका है। डीएलडब्ल्यू के उत्पादन में निरंतर बढ़ोतरी हुई है। 1963-64 में केवल 4 रेल इंजन उत्पादन करने वाला कारखाना 2017-18 में 321 रेल इंजन उत्पादित कर चुका है और अब तक 8161 रेल इंजन उत्पादन कर चुका है। डीरेका की कार्यशाला मुख्यतः 3 विभागों में विभाजित है, ब्लॉक विभाग, इंजन विभाग और लोको विभाग। इसके अलावा डिजाइन विभाग, जो डीएलडब्ल्यू के रीढ़ की हड्डी है। इंजन निर्माण से पूर्व डिजाइन विभाग में चर्चा, परिचर्चा और तकनीकी परीक्षणों के द्वारा इंजन की डिजाइन तैयार की जाती है। डिजाइन विभाग भारत सहित अन्य देशों के इंजनों की डिजाइनिंग करता है। 1995 में आयातित तकनीक से शुरू होने वाले इंजनों की डिजाइनिंग आज डीरेका का डिजाइन विभाग कर रहा है। इससे इंजन की लागत कम हुई है। डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीएलडब्ल्यू का बैकबोन है, बिकॉज ये नए नए रोलिंग स्टोन जो हम रेल पे जो नए तरह के डीजल इंजन चलते हैं, न केवल उसका डिजाइन करता है बल्कि डिजाइन के बाद उसको प्रूव आउट करने में, मास प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। उसके बाद हम उसकी रिलायबिलिटी पे भी नज़र रखते हैं और रिलायबिलिटी कैसे बढ़ाया जाए, कैसे इम्प्रूव किया जाए, इसके लिए भी सतत प्रयत्नशील रहते हैं। इसके साथ ही साथ जो इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी हम लेते हैं, जैसे अभी हम HHP इंजन बना रहे हैं, तो ये टेक्नोलॉजी USA से आई थी 1995 में, TOT हुआ था, 99 से इंजन बनने शुरू हुए। तो हमने एक ड्राइव चला के बड़ी तेज़ी से इसके जो कंपोनेंट्स थे, सब असेंबलीज थे, उसका इंडिजनाइजेशन किया। और इस इंडिजनाइजेशन से सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ, जो हम लोगों ने ये ड्राइव 14-15 से चलाई, तो उस ड्राइव के तहत करीब करीब 1400 करोड़ रुपये की बचत हुई। डिजाइन और डेवलपमेंट विभाग न केवल नई नई डिजाइन बनाता है बल्कि उसके उत्पादन में भी पूरा सहयोग करता है। भारत सरकार के मेक इन इंडिया योजना के अनुपालन में डीरेका को अभूतपूर्व उपलब्धि प्राप्त हुई है। रेल इंजनों में प्रयुक्त प्रकरणों के स्वदेशीकरण और मल्टी सोर्सिंग के फलस्वरूप प्रति लोको की लागत में कम से कम 2 करोड़ की कमी आई है। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम इंडिजिनस वेंडर्स को डेवलप करें, जिससे कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज के में भी बचत हो और उसके साथ साथ जो स्वदेशीकरण को भी बढ़ावा मिले। डिजाइन के अनुसार इंजन के निर्माण में कर्मचारियों को पारंगत बनाने के लिए डीएलडब्ल्यू के टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में पूर्ण प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण केंद्र में इन कर्मचारियों को निपुण बनाकर कारखाने से संबद्ध किया जाता है। डीएलडब्ल्यू इंजन निर्माण में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गया है। इसके अधिकांश पुर्जे यहीं तैयार किए जाते हैं। ब्लॉक के निर्माण से इंजन असेंबलिंग तक सारा कार्य इसी परिसर में होता है। डीएलडब्ल्यू में एक अति आधुनिक, पूरी तरह से फुल्ली टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड मॉडर्न वर्कशॉप है। यहाँ पे हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि वेल्डिंग, फैब्रिकेशन, मशीनिंग, स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन्स हैं। ये विश्व के स्तरीय लेवल की मशीनें हैं और यहाँ पे जिस तरह का कार्य होता है, जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारे प्रोसेसेस हैं, वो किसी भी वर्ल्ड की टॉप क्लास फैक्ट्री के बराबर हैं।
ब्लॉक विभाग ही वो स्थान है जहां इंजन का प्रथम रूप अस्तित्व में आता है। बेजान लोहे को ड्रिलिंग और वेल्डिंग के द्वारा ब्लॉक का रूप दिया जाता है। वजनदार ब्लॉक को एक मशीन से दूसरे मशीन तक पहुंचाने के लिए ऑटोमेटिक क्रेन का प्रयोग किया जाता है। 16 सिलेंडर के इस ब्लॉक को ब्लॉक विभाग में आवश्यकतानुसार लोहे की मोटी प्लेटों की उच्च तकनीक मशीनों द्वारा गैस कटिंग की जाती है और पोजिशनरों और मैनिपुलेटरों की सहायता से उच्च गुणवत्ता की वेल्डिंग की जाती है। वेल्ड किए गए जोड़ों का रेडियोग्राफी और हाइड्रोग्राफी तकनीक से परीक्षण किया जाता है। तैयार ब्लॉक को भट्टी में तपाकर ठंडा करके इसका तनाव दूर किया जाता है। पोर्टल मिलिंग मशीन के द्वारा ब्लॉक पर मशीनिंग की जाती है। मिलिंग मशीन पर कुल 40 ऑपरेशन किए जाते हैं। ये सीएनसी मशीन का कंट्रोल पैनल है। इसमें सीमेंस का लेटेस्ट वर्जन 840D DSL इंस्टॉल किया गया है। इस पैनल से हम लोग इस मशीन के सारे कमांड यहीं से देते हैं। जो भी मूवमेंट है और जो भी टूल सेलेक्ट करना है, इस सारे मशीन का फीड RPM और सब कुछ यहीं से कंट्रोल होता है। सभी प्रकार के ड्रिलिंग, वेल्डिंग और मशीनिंग के बाद कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन में कंप्यूटर द्वारा इनकी गुणवत्ता की जाँच की जाती है। इसके बाद इसको असेंबलिंग के लिए इंजन विभाग भेजा जाता है। कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन MW नंबर 1745, इस पर HHP क्रैंकेस मेजरमेंट होता है। इंजन विभाग में छोटे बड़े 3000 पुर्जों को जोड़कर इंजन बनाया जाता है। इनमें गियर, कनेक्टिंग रॉड, क्रैक शाफ्ट और सिलेंडर हेड महत्वपूर्ण हैं। तैयार इंजन की कार्यक्षमता की जांच करने के लिए इसे कंप्यूटर आधारित टेस्टिंग रूम ले जाया जाता है, जहां इसके निर्धारित कार्यक्षमता की पूरी बारीकी के साथ टेस्टिंग की जाती है। जहां पर अभी अभी नया इंजन लिया गया है और उसकी प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से तैयारी चल रही है, अलाइनमेंट का कार्य हो रहा है। टेस्टिंग काम अभी जारी है, जो कि टेस्टिंग के पहले की तैयारी चल रही है और तरह तरह के जो विभिन्न चेक हैं इसके अंदर वो किए जा रहे हैं। इस वक्त लूब ऑयल सर्कुलेशन चल रहा है, ये क्रैंकशाफ्ट घूम रहा है और उसमें स्नेहन जिसे कहते हैं हम लूब ऑयल सर्कुलेशन, वो इस वक्त हो रहा है जो आपको दिखाई पड़ रहा है। तेल जो इसमें यूज़ किया जाता है वो RR606 है, जो रेलवे पर्पज़ के लिए सर्कुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इंजन टेस्टिंग का काम इलेक्ट्रिकल पैनल के द्वारा कंप्यूटराइज सिस्टम से करते हैं। पूरी जितनी भी इंजन की डेटा है, प्रेशर, टम्परेचर, उसके वोल्टेज, करंट, सारे इस कंप्यूटर पे हम देखते रहते हैं और यहाँ से उसके सारे पैरामीटर्स को मॉनिटर करते रहते हैं। कई चरणों में टेस्टिंग के बाद इसे लोको डिवीजन में भेजा जाता है। लोको डिवीजन में तैयार इंजन को पहले से पहिए लगे लोको प्लेटफॉर्म पर फिट कर दिया जाता है। इंजन के लोको प्लेटफॉर्म बनाने के पहले इसके पहियों के निर्धारित मानक की पूरी जांच की जाती है। मानक पर खरा उतरने के बाद ही इन आयातित पहियों को इंजन की बोगी में फिट किया जाता है। इंजन को फिट करने के साथ ही इसमें एक हाई पावर अल्टरनेटर लगाया जाता है। ये विद्युत पैदा करता है जो कि कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से ट्रैक्शन मोटर में दिया जाता है। यही मोटर इंजन के पहियों को चलाता है, जिसका पूर्ण नियंत्रण लोको ड्राइवर के पास होता है। इंजन के ड्राइवर का कक्ष पूर्णतः वातानुकूलित होता है। ड्राइवर के केबिन में बने कंट्रोल पैनल में पूरे इंजन का नियंत्रण सिस्टम लगा होता है। इसे ड्राइवर कंट्रोल कंसोल कहा जाता है, जहां से ड्राइवर इस इंजन को संचालित करता है। आजकल जितने भी लोको बन रहे हैं सारे डुअल कैप के बन रहे हैं, कि जिससे ड्राइवर आगे से
भी चला सके, पीछे से भी चला सके। DLW के मुख्य इंजन उत्पाद हैं WDG4D, WDP4D, WDG3A, WDM3D, WDS6 और YDM4। DLW वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट लोको प्रोड्यूसर है। हम एक छत के नीचे साल भर में लगभग 350 से 350 लोकोमोटिव बनाते हैं। तो DLW का जो प्रोडक्ट मिक्स है, यानी डिफरेंट टाइप के इंजन्स जो हम बना रहे हैं, प्राइमरली हमारा हाई हॉर्स पावर का इंजन, यानी कि 4500 हॉर्स पावर का WDP4D जो पैसेंजर वर्जन है, और WDG4D जो कि गुड्स का वर्जन है। इसके अलावा हमने पिछले साल से WAP7 यानी इलेक्ट्रिकल का पैसेंजर वर्जन का लोको बनाना शुरू किया, जो 6,500 हॉर्स पावर का है। DLW के इंजन निर्माण में यहाँ के कुशल कर्मचारियों की मेहनत और उच्च स्तरीय प्रबंधन और गुणवत्ता नियंत्रण के कारण DLW के इंजनों की मांग विश्व के कई देशों में है। विगत वर्षों में DLW ने श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, माली, सूडान, तंजानिया, अंगोला और वियतनाम जैसे देशों को डीजल इंजन निर्यात किया है। DLW न केवल भारतीय रेलवे के लिए रेल इंजन बनाता है, अपितु बाहर के देशों के लिए भी निर्यात करता है। अब तक DLW ने 11 देशों को 155 रेल इंजन निर्यात किए हैं। DLW भारतीय रेल के अलावा देश के अन्य प्राइवेट सेक्टर में भी इंजन की आपूर्ति करता है। स्टील प्लांट और विद्युत उत्पादन इकाइयों में इनकी आवश्यकता पड़ती रहती है। DLW उच्च गुणवत्ता युक्त इंजन के निर्माण के साथ साथ अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के स्वास्थ्य के प्रति भी सजग है। यहाँ एक अस्पताल भी बनाया गया है, जहाँ DLW के वर्तमान 6,000 और रिटायर्ड कर्मचारियों के परिवार सहित लगभग 50,000 लोग लाभान्वित होते हैं। अस्पताल में कुल 14 डॉक्टर और 161 पैरामेडिकल स्टाफ कार्यरत हैं। मुफ्त ऑनलाइन पंजीकरण से यहाँ का कोई भी कर्मचारी चिकित्सकीय लाभ ले सकता है, क्योंकि यहाँ की सभी व्यवस्था ऑनलाइन कर दी गई है, जिससे कर्मचारी घर बैठे ही डॉक्टरों का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और समय से यहाँ पहुंचकर अपना इलाज करा सकते हैं। हम अपने हॉस्पिटल की सर्विसेज को, हमारे पास स्पेशल सर्विसेज HMIS वर्क के थ्रू वर्क करती हैं, जिसमें हम अपने मरीजों का अपॉइंटमेंट इवन ऑनलाइन देते हैं, जिससे वो अपना टाइम आने पे कम से कम टाइम हॉस्पिटल की क्यू और लाइनों में लगने में लगे, और आने के बाद वो अपने डॉक्टर के घर पे बैठे बैठे ये पोजीशन देख सकते हैं कि हमारा कौन सा डॉक्टर आज के लिए अवेलेबल है, और उसमें कौन से टोकन की उसकी च्वाइस उसकी अपनी मर्जी पे है कि वो किस डॉक्टर को दिखाना चाहेगा। वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकता है, और यदि उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन नहीं ले सकते हैं, उसके लिए हमारे पास रजिस्ट्रेशन काउंटर है, और वहाँ पे आते ही विद इन 5 मिनट्स उनको अपना रजिस्ट्रेशन काउंटर पे इनरोल हो जाता है। नेत्र विभाग में आई टेस्टिंग की आधुनिक मशीनें लगी हुई हैं। वातानुकूलित इमरजेंसी वार्ड 24 घंटे कार्य करता है। गंभीर बीमारियों की दशा में आधुनिक मशीनों से सुसज्जित ICU में भी कर्मचारियों का इलाज किया जाता है। नवजात शिशु के लिए यहाँ इंक्यूबेटर भी लगाया गया है, जिसमें पीलिया से पीड़ित शिशुओं की सेकाई की जाती है। DLW के कर्मचारियों के सभी इलाज और टेस्ट मुफ्त में किए जाते हैं, और दवाइयाँ भी मुफ्त में दी जाती हैं। दवाओं को सुरक्षित रखने के लिए एक वातानुकूलित स्टोर रूम और महंगी दवाओं की सुरक्षा के लिए आधुनिक फ्रीजर भी लगाया गया है। सभी प्रकार की जांच के लिए यहाँ पैथोलॉजी लैब भी बनाया गया है, जहाँ सभी मशीनें आधुनिक तकनीक पर आधारित हैं। DLW में कर्मचारियों के सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। DLW प्रबंधन उच्च गुणवत्तापूर्ण निर्माण के साथ साथ अपने कर्मचारियों की आवश्यकताओं के प्रति भी सजग है। कर्मचारियों के मनोरंजन के लिए सिनेमा हॉल और खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय स्तर का
खेल मैदान भी यहां बनाया गया है। डीएलडब्ल्यू ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई खिलाड़ी दिए, जिनमें ओलंपियन पद्मश्री मोहम्मद शाहिद का नाम प्रमुख है। डीएलडब्ल्यू पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी सजग है। डीएलडब्ल्यू कॉलोनी पूर्णतः पर्यावरण अनुकूल है। यहाँ की हरियाली देखते ही बनती है। यहाँ पे जैसे कि सिनेमा हॉल, प्लेइंग ग्राउंड्स, इंडोर ग्राउंड्स बहुत ही अच्छे से है। कॉलोनी जो है हरा भरा है, उसके कारण स्टाफ सेटिस्फेक्शन जो है बहुत अच्छा है। डीएलडब्ल्यू के सभी कर्मचारी स्वच्छता मिशन के प्रति भी गंभीर हैं और परिसर की स्वच्छता पर पूरा ध्यान देते हैं। डिरेका का परिसर बहुत ही हरा भरा और स्वच्छ है एवं यहाँ के कर्मचारी स्वच्छता के प्रति काफ़ी जागरूक हैं और हम लोग भी समय समय पर स्वच्छता अभियान चलाते रहते हैं। हमारी जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, सिविल डिफेंस का यूनिट है जो डीएलडब्ल्यू का, वो लगभग हर हफ्ते स्वच्छता अभियान में अपना सहयोग देता रहा है और सूर्य सरोवर और हमारा टैगोर पार्क, ये सब एरियों में उन्होंने स्वच्छता का अभियान चला के अपना योगदान दिया है। राजभाषा के सम्मान के प्रति भी डीएलडब्ल्यू वचनबद्ध है। यहाँ पर अधिकतर सरकारी कामकाज हिंदी में ही किए जाते हैं। यहाँ राजभाषा का निरंतर जो है वो कार्य किया जाता है, राजभाषा में अधिकतम कार्य किए जा रहे हैं और लोगों को राजभाषा में कार्य करने के लिए जागरूक किया जाता है। डीएलडब्ल्यू के परिसर में एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया गया है, जहाँ गंदे पानी को साफ करके उसे खेती और बागवानी में प्रयोग किया जाता है। यहाँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की उपलब्धता के कारण कोई भी मल गंगा नदी में नहीं जा रहा है। यहाँ के कुशल एवं कर्तव्य परायण कर्मचारियाँ सदैव डीएलडब्ल्यू के परिसर को हरा भरा और स्वच्छ रखने में कार्यरत रहते हैं। बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए यहाँ रेलवे इंटर कॉलेज, प्राइमरी स्कूल, सेंट जॉन्स स्कूल और केंद्रीय विद्यालय स्थित हैं। इसके अलावा महिला समिति द्वारा बाल निकेतन और चेतना नाम से एक दिव्यांग विद्यालय भी चलाया जाता है। अपने सामाजिक दायित्वों के अंतर्गत डीएलडब्ल्यू समाज के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रहा है। इस प्रकार डीएलडब्ल्यू वाराणसी के साथ साथ देश का नाम भी रोशन कर रहा है और इंजन निर्माण में अपनी विश्व स्तरीय पहचान बना रहा है।